महिला पतंजलि योग समिति फिरोजाबाद द्वारा नव वर्ष मनाया गया। इस मौके पर हवन यज्ञ किया गया, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया गया। महिला पतंजलि योग समिति फिरोजाबाद द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में हिंदू नव वर्ष मनाया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि आर्य व वैदिक संस्कृति में इसी दिन को नव वर्ष की संज्ञा दी गई है। इस मौके पर हवन यज्ञ कर लोगों को नव वर्ष की बधाई दी गई, साथ ही महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए इस पर विचार विमर्श किया गया। एक्स न्यूज के लिए अमन पचौरी की रिपोर्ट। जय जयकार तेरी, जय जयकार, जय जयकार तेरी, जय जयकार, जय जयकार तेरी, जय जयकार, जय जयकार तेरी, जय जयकार। ओ बाबा तेरी जय जयकार, ओ बाबा तेरी जय जयकार। देखा तो अगर ये दोनों उंगली के बीच का हिस्सा अगर सीधा किया जाए, एक जगह क्रॉस होगा, जिस जगह क्रॉस होता है वो आपका हार्ट का पॉइंट है। उस पॉइंट को अगर आप दाबते हैं और उसको दाबने से अगर आपको दर्द होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके हार्ट में परेशानी स्टार्ट हो चुकी है। चिंता करने की आवश्यकता। माटी के पुतले से हमें बहुत सी सीखें मिल जाती हैं। अगर माटी के पुतले से हमें ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। झुकायल हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, झुकायल हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है। उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। कि बलि जो मांगते हो फे उन्हें भगवान क्या कहना, बलि जो मांगते हो फे उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हो उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हो उन्हें इंसान क्या कहना। नाम यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ था? यहाँ ये हमारा नव संवत्सर का कार्य था, नव वर्ष का सृष्टि संवत, जिसको कि हमने अपने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में मनाया जाता है। सृष्टि का आरंभ दिवस, शक्ति और भक्ति के नौ दिन का आरंभ दिवस, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जिस दिन सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ उस दिन का दिवस, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वास्तव में नव वर्ष है, क्योंकि इसी दिन से वसंत ऋतु का आगमन होता है, नई फसल पकती है, किसान धनवान से परिपूर्ण होता है, प्राकृतिक बदलाव होते हैं, और इसलिए यह हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही इसका विधान दे दिया था कि चैत्र से आपका नव वर्ष नई साल का शुभारम्भ होगा। इतनी प्राचीन गणना कि सूर्य ग्रहण भी मावस को ही होगा, चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को होगा, और आज तक इतनी सटीक गणना शायद ही कोई वैज्ञानिक दे पाया हो।
ऐसे महान संवत्सर को मनाना हमारा सौभाग्य है कि हम सब ने ये मिलकर एक नई शुरुआत की, जिससे सब लोग जो 1 जनवरी को अपना नया वर्ष मनाते हैं वो ये समझें कि वो केवल ऑफिस के कार्य के लिए कैलेंडर है, ना कि वो नया साल है। हमारा नव संवत्सर जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, उसे ही हम सब मनाएं और अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को जीवित रखें। मेरा नाम उपेंद्र है। क्या कार्यक्रम हुआ? यह कार्यक्रम महिला पतंजलि योग समिति की तरफ से नव वर्ष का कार्यक्रम था, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम था, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा समाज पूरा का पूरा एक नई दिशा में, अलग दिशा में जा रहा है। इसको वापस लाने के लिए हम सभी का एक अथक प्रयास है कि हम सभी को ये बताएं कि हमारा नव वर्ष 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को नहीं होता, बल्कि चैत्र मास की इस प्रतिपदा को होता है, जिसकी ज़रूरत सबको है और आज हमें करना ही चाहिए और करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम हर साल होता है? हर वर्ष होता है, हमारे यहाँ हर वर्ष मनाया जाता है। जगह दूसरी हो सकती है, लेकिन हर वर्ष हमारे यहाँ ये कार्यक्रम में होता है और बहुत संख्या में जगह जगह पर होता है। एक जगह पर पतंजलि योग, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योगपीठ, पूरा सबका एक मकसद है कि हम अपनी पुरानी व्यवस्थाओं से, पुरानी सभ्यताओं से, पुरानी चीज़ों को हम लोगों को लेके आए, जो बताएं, जोड़ें, जो हम भूल चुके हैं, जो हमारा समाज बिल्कुल भूल चुका है, उनको हम जोड़ें, उनको लेके आए।